tutorialsinhand.com में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि backspace और delete की में डिफरेंस है क्या और इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कोई भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन कर लें, या जैसे कि नोटपैड, वर्ड पैड या एक्सेल या कोई भी चीज हम ओपन कर लें, कोई भी फाइल, और वहां पर हम कुछ टेक्स्ट लिख दें, जैसे कि यहां पर हमने सैंपल में लिख दिया है कि आई एम लर्निंग डिफरेंस बिटवीन बैकस्पेस एंड डिलीट की इन कंप्यूटर। तो यहां पर अब हम अप्लाई करेंगे एक बार बैकस्पेस और फिर डिलीट और देखेंगे कि दोनों काम कैसे करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर एक वर्ड लिखते हैं सैंपल, और अब हम ट्राई करते हैं इस पे यूज करने का बैक स्पेस। तो बैक स्पेस यदि हम एस के पहले रखते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड में, दैट मींस जो सैंपल लिखा गया है उसके लेफ्ट साइड में यदि हम रखते हैं, और फिर यदि हम बैक स्पेस क्लिक करते हैं एक एक करके, तो आप मूवमेंट देखिए किस तरह से मूवमेंट हो रही है। तो यहाँ आप देखिए लेफ्ट के साइड डिलीट होता जा रहा है एक एक करके, दैट मींस जितने बार आप क्लिक करेंगे एक एक लेटर्स डिलीट होते चले जाएंगे। तो इस तरह से बैक स्पेस जो है वो आपका लेफ्ट साइड में डिलीट करते जाता है एक एक लेटर्स। एंड नाउ अगर हम वही डिलीट अगर क्लिक करते हैं सेम जगह पर रखकर, मान लीजिए सैंपल के पहले ही रखा गया है अभी भी, तो अगर हम डिलीट बटन को क्लिक करते हैं तो इस बार डिलीट इस तरफ नहीं होगा, इस बार डिलीट जो है वो एक एक करके इस तरफ होता चला जाएगा। जैसे कि एक बार अगर हम क्लिक करेंगे तो एस डिलीट होगा, फिर ए डिलीट होगा, फिर एम डिलीट होगा, एंड सो ऑन। तो करके देखते हैं, जैसे कि यहाँ सैंपल के पहले रखा गया है कर्सर, अब हम एक एक करके डिलीट की को क्लिक कर रहे हैं। तो देखिए एस डिलीट हुआ, ए डिलीट हुआ, एम, पी, एल, एन, इस तरह से यदि आप डिलीट करते चले जाएंगे तो राइट साइड का एक एक लेटर डिलीट होता जाएगा। तो यहाँ से पता चलता है कि बैक स्पेस जो है वो अगर कर्सर जहाँ रखा गया है वो अपने से लेफ्ट साइड की तरफ डिलीट करता चला जाता है। एंड डिलीट जो है वो की अगर प्रेस किया जाए तो जहां पर कर्सर रखा गया है वो अपने से राइट के साइड का एक एक लेटर डिलीट करता चला जाता है। तो ये अगर फाइल्स में हम इनका प्रयोग कर रहे हैं तो ये कुछ इस तरह से काम करेंगे। मान लीजिए आप फोल्डर में हैं, जैसे कि जहां पर ये सैंपल फाइल रखा गया है उस फोल्डर में आ जाइए। तो फोल्डर में ये बैक स्पेस और डिलीट कैसे काम करता है वो देखते हैं। तो फोल्डर में यदि आप कोई फाइल प्रेजेंट है उसको सिलेक्ट करके बैक स्पेस अगर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, अभी आप जैसे देखिए इस पाथ पर हैं, दिस पीसी, डेस्कटॉप और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस फोल्डर में ये फाइल रखा गया है। लेकिन अगर इसे सेलेक्ट करें या बिना सेलेक्ट किए आप बैक स्पेस क्लिक करेंगे तो क्या होगा, ये आपको एक स्टेप पीछे लेके जाएगा, मतलब प्रैक्टिस जिस फोल्डर में प्रेजेंट है ये वहां पर चला जाएगा। मींस अगर हम बैक स्पेस अभी क्लिक करेंगे तो ये प्रैक्टिस से हमको डेस्कटॉप में लेके चला जाएगा, और फिर अगर एक बार क्लिक करेंगे तो वो पीसी में लेके चला जाएगा। तो इस तरह से बैक स्पेस काम करेगा। फॉर एग्जांपल करके देखते हैं, अभी हम प्रैक्टिस में हैं, अगर बैक स्पेस क्लिक करते हैं तो आप देखिए वो पाथ जो है वो चेंज होकर डेस्कटॉप पे चला जाएगा। तो अभी देखिए ये डेस्कटॉप पे आ गया। तो इस तरह से बैक स्पेस काम करेगा। और हम फिर से प्रैक्टिस में आते हैं, यहाँ पर जो फाइल रखा गया है सैंपल जो हमने यहाँ क्रिएट किया है, ये फाइल जो हमने क्रिएट किया है इसे अभी क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पर अगर अब हम इसे सेलेक्ट करके डिलीट बटन को प्रेस करेंगे तो ये जो फाइल है ना सैंपल फाइल ये डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने के पहले वो आपसे पूछेगा एक बार कंफर्मेशन करने के लिए कि आप डिलीट करना चाहते हैं कि नहीं। तो हमने इसे सेलेक्ट कर लिया है, अब हम डिलीट की को प्रेस करते हैं। तो जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो गया, इसने पूछा भी नहीं। जनरली पूछता है या पूछना चाहिए कि आप मान लीजिए गलती से डिलीट कीवर्ड प्रेस हो गया तो फाइल इंपॉर्टेंट फाइल हो तो उड़ जाएगा, तो इसलिए पूछना चाहिए था बट नहीं पूछा फिर भी। तो आप देख रहे हैं कि जैसे कि फाइल जो प्रेजेंट था यदि आप डिलीट बटन को प्रेस करते हैं तो वो फाइल जो है वो डिलीट हो जाएगा उस प्लेस से। तो इस तरह से फाइल्स और फोल्डर्स में डिलीट और बैक स्पेस काम करता है। और यदि हम किसी फाइल में यूज कर रहे हैं तो बैक स्पेस जो है वो अपने से लेफ्ट साइड को एक एक करके डिलीट करता जाएगा, और जो डिलीट है वो अगर आप प्रेस करते हैं तो अपने से राइट साइड के लेटर्स को डिलीट करता जाएगा, जैसे कि हमने आपको पहले दिखाया था। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि डिलीट और बैक स्पेस में अंतर है क्या। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ साथ आप ये भी बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। यदि हमारे पास उसकी सफिशियंट रिसोर्सेस होंगे तो हम उसे अवश्य आप तक जल्द से जल्द बनाकर पहुंचाएंगे। धन्यवाद।